ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੜਿੰਗ ਖੇੜਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ 14 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਏ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 13 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਏ ਗਏ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉਦੇ 13 ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਟਵੀਟ ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲ ਨੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਾਂ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कांग्रेस नेतावां नूं कूड़ा कहण ते कैबिनेट मंत्री राजकुमार वेरका की प्रतिक्रिया आई सामने वेरका ने कहा केजरीवाल नूं अमृतसर जां आगरा तो इलाज करवाउण दी लोड़ उन्हां कहा कि केजरीवाल खुद कूड़ा है केजरीवाल जो गरंटी दे रहे ने उन्हां नूं उन्हां दे विधायक ही मनन लई नहीं कहा श्री हजूर साहब नदेड़ लई अज एयर इंडिया की उड़ान हुई शुरू अज पहली फ्लाइट सवेरे 10:45 रवाना होकर दोपहर 1 बजे नदेड़ पहुंची ये उड़ान नदेड़ साहिब तो हर शनिवार सवेरे 9:15 रवाना होकर सवेरे 11:30 अमृतसर पहुंचा करेगी कुछ कारण करके हवाई सेना 2 महीने लिए की गई केंद्र सरकार वालों खेती कानूनों को वापस ले जाने के ऐलान तो बाद किसानों वालों एक बार फिर 26 नवंबर को दिल्ली जाने की तैयारी की गई इस मौके किसानों ने कहा 29 तरीक को 500 किसानों का जत्था पार्लीमेंट वालों भेजा जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल वालों खेती कानून रद्द करने वाले बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब मौके इन्होंने खेती कानूनों रद्द करने का ऐलान किया हूँ कैबिनेट की मंजूरी मिलने तो बाद बिल 29 नवंबर तो शुरू होने जा रहे सर्द रुत के सेशन में किया जाएगा दिल्ली NCR हवा प्रदूषण से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाते हुए कहा है कि जो मौसम खराब होता है तो उपाय किए जाते हैं हवा प्रदूषण को रोकने भी उपाय किए जाने चाहिए ने यह है कौमी राजधानी का हाल जरा सोचो असी दुनिया को की समझा क्रिप्टोकरेंसी लई सरकार 29 नवंबर तो शुरू होने वाले सर्द रुत सैशन में संसद में क्रिप्टोकरेंसी को नियमित करने लई एक बिल करेगी पेश इस बिल के तहत हर किस्म दी प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसियां ते लगेगी पाबंदी केंद्र सरकार वालों क्रिप्टोकरेंसी ते नकेल कसन दी खबरों तो बाद ज्यादातर क्रिप्टोकरेंसीज च गिरावट देखने को मिली अज सवेरे 10 बजे बिटकॉइन में 17% तो वध दी गिरावट की गई दर्ज